ओम श्री परमात्मने नमः। हमारे हिंदू धर्म में इतने शास्त्र, इतने सिद्धांत, इतनी पूजा पद्धतियाँ क्यों प्रचलित हैं? देखिए, हिंदू धर्म वैदिक सनातन धर्म की नींव है और हिंदू धर्म में परमात्मा से प्रेम करने वाले लोग थे, उन्हें अति प्रीति थी प्रेम से, प्रेम स्वरूप परमात्मा से। इसलिए हमेशा ईश्वर की स्मृति बनाए रखने के लिए इतने वेद पुराण उपनिषदों की संरचना हुई। शास्त्रों में महापुरुषों के कर्तव्य, उनकी लीलाएं और उनके गुणों का ही वर्णन मिलता है जहाँ तक। कैसे उन्होंने तपस्या की, कैसे साधना की, कैसे जीवन को जिए और अपने स्वरूप को प्राप्त हुए। जितने महापुरुष हिंदू धर्म में हुए हैं, वर्ल्ड का इतना पॉपुलर कोई धर्म नहीं जिसमें इतने महापुरुष हुए हैं। संत, ऋषि, मुनि, सिद्ध, तपस्वी, यशस्वी, ज्ञानी, विज्ञानी, ध्यानी, योगी, सबसे ज़्यादा यदि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हुए हैं तो हिंदू धर्म में। दूसरी चीज, इतने शास्त्रों की संरचना क्यों हुई? हमारे जो महत्वपूर्ण और मूल शास्त्र थे वो वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके उपभाग उपनिषद कहे जाते हैं। जैसे कि 1008 उपनिषद थे, फिर धीरे धीरे महत्वपूर्ण थे 108 उपनिषद, फिर अभी प्रधान 11 उपनिषद हैं। सबसे हाईलाइट जैसे मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, ईशान उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद वगैरह। तो ये संपूर्ण ब्रह्म विद्या है। परमात्मा के पथ पर जब कोई योगी चलता है तो उसके प्राण की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, उन्हीं अवस्थाओं का वर्णन जहाँ तहाँ शास्त्रों में मिलता है। शास्त्रों को ऐतिहासिक दृष्टि से लिखा जाता है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी उसमें होता है। कहीं कहीं रूपक प्रतीकात्मक होता है, तो कहीं कहीं साधना पद्धति होती है, कहीं ज्ञानवर्धक उपदेश होते हैं, तो कहीं नीति मर्यादा शिष्टाचार की शिक्षाएं होती हैं, तो कहीं मर्यादाएं कर्तव्य। जो कुछ भी एक संस्कृति की निर्माण में जितना सहायक है वो सब चीज़ें शास्त्रों में। दुनिया के धर्मों में, वर्ल्ड के सभी धर्मों में एक किताब या दो बुक्स हैं जो हाईलाइट हैं, जबकि हमारे हिंदू धर्म में, वैदिक सनातन धर्म में अनगिनत बुक, धार्मिक बुक हैं। हर प्राप्ति वाले महापुरुष के पीछे उसकी जीवनी है, एक किताब है, एक बुक है, और ये सब लिखी जाती हैं उनकी, उनके व्यक्तित्व, उनकी तपस्या, उनकी साधना और उनके आचरण को सांगोपांग क्रमबद्ध लिपिबद्ध किया जाता है, जिससे कि आगे की पीढ़ी को ये ज्ञान मिलता रहे कि तुम्हारे बीच में ही एक महामानव की उत्पत्ति हुई और उन्होंने महान कर्म किए और अपने जीवन को एक उच्च आयाम में धार्मिकता पूर्वक जीवन को जिया। तो शास्त्रों में अधिकांश जो ब्रह्म विद्या का भाग है, जो अध्यात्म ज्ञान है, वो प्रतीकात्मक और रूपक है, असल में वो मनोविज्ञान है। जो जो ध्यान में ऋषियों को अनुभूति होती गईं, दृश्य मिलते गए दृष्टा से, दृष्टा माने परमात्मा और दृश्य माने उसके आदेश निर्देश, जो जो उनका ध्यान साधना सूक्ष्म होती गई, उनकी अध्यात्म उन्नति होती चली गई, उसी को उन्होंने क्रमबद्ध रूपक बना के लिखा है शास्त्रों में, अवस्थाओं का वर्णन किया है। ध्यान की अवस्था जाने पर ध्यान में कैसे विघ्न आते हैं, कैसी अनुभूतियाँ होती हैं, वो सब का वर्णन मिलेगा। परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा से प्रेम, परमात्मा के लिए मनन, चिंतन, निधि ध्यासन, संगीत,
क्रमबद्ध किया है ऋषियों ने शास्त्रों में। आप तो पुरुषों ने शास्त्रों को कोडिंग लैंग्वेज में लिखा है, कहीं प्रतीकात्मक, रूपक, रचनात्मक, संरचनात्मक ढंग से, और उस सब के पीछे उनका एक ही उद्देश्य था कि समाज का कल्याण हो, समाज का भला हो, समाज उस परम ज्ञान से लाभान्वित हो। ऋषि मुनि मोह माया मुक्त हिमालय की कंदराओं में तप करने वाली आत्मस्वरूप में स्थित ज्ञान विज्ञान से संयुक्त संसार कल्याण करता, जगत उद्धार करता उन मनीषियों ने इन्हीं धर्म ग्रंथों की रचना की। आयुर्वेद शास्त्र, वस्तु शास्त्र, धर्म शास्त्र, योग शास्त्र, संगीत शास्त्र, काम सूत्र, ब्रह्म सूत्र, पतंजलि योग दर्शन, विभिन्न प्रकार के जो हाईलाइट शास्त्र हैं, जिनमें भागवत गीता, वेद, उपनिषद, पुराण, शिव पुराण वगैरह, ये सब एक पूरे अध्यात्म का ज्ञान, सामाजिकता, वैदिक सनातन संस्कृति और मानव जीवन को सुगम और सहज बनाने के लिए जितने भी आवश्यक जरूरतें हैं उन सब का विवरण उन्होंने विधिवत दिया शास्त्र सम्मत। इस सब के पीछे ऋषियों का उद्देश्य था कि समाज भविष्य में उस महान, उस दिव्य ईश्वर की दिव्यता को न भूल ना जाए, कहीं उसकी स्मृति बनाए रखने के लिए स्मृतियों की रचना हुई। तो हमारे महापुरुषों ने जो अध्यात्म ज्ञान दिया वो ज्ञान आत्मा का ज्ञान, आत्मा की प्राप्ति, आत्मदर्शन के लिए जो ब्रह्म विद्या अध्यात्म ज्ञान दिया उसको रूपक बना के लिखा। तो चूंकि वो एक मनोविज्ञान है कि मन और मन की प्रवृत्तियाँ कैसे काम करती हैं, मन पर स्वभाव, मन का स्वभाव, मस्तिष्क का कार्य प्रणाली और स्वभाव पर प्रकृति के गुणों का दबाव होने पर ये विभिन्न अवस्थाओं में कैसे काम करता है, तमोगुण आने पर शरीर मन की स्थिति क्या है, रजोगुण से शरीर मन की स्थिति और सात्विक प्रकृति से शरीर मन की स्थिति, और गुणातीत होने पर शरीर मन की स्थिति में एकाग्रता, शांत, शून्यता का भाव आ जाना, स्थिरता, और समाधि में मन की क्या स्थिति है, और आत्म साक्षात्कार के बाद एक स्थित प्रज्ञ महापुरुष की रहनी, उसकी स्थिति क्या है। तो शास्त्रों में साधना पद्धति क्रमबद्ध है, इतिहास भी है, हमारे पूर्वजों का उस समय राजतंत्र था, राजा महाराजा हुआ करते थे, एक राजा दूसरे राजा के साथ युद्ध करता था। तो जीवन दर्शन और पृथ्वी पर जो वनस्पतियाँ हैं, जो जरूरत की चीज़ें हैं, उन सब का ज्ञान उन्होंने दिया। इसलिए कहा जाता है कि शास्त्र सुचिंतित पुन पुन देखो, भूप सुसेवित वसने लेखो। हमें हमारे महापुरुषों की, आप्त पुरुषों की वाणी को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, और ज्ञानवर्धक, शांतिवर्धक और अपना भी अध्यात्म विकास करना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने कड़ी तपस्या, कड़ी मेहनत की, और जो निष्कर्ष हमारे सामने रखे वो उनकी करुणा है, उनकी दया है समाज के प्रति। आत्मज्ञानी का एक ही कर्तव्य होता है कि उसने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, उसके बाद समाज सेवा। तो हमें हमारे महापुरुषों की वाणी का सम्मान करना चाहिए, उनके द्वारा लिखे गए शास्त्रों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए। जब आप बुद्ध को पढ़ते हैं, महावीर को पढ़ते हैं, या गुरु नानक को, या अदर राम कृष्ण, और फिर आप अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को, सिद्धांतों को उतारते हैं, तो आप में कृष्ण से कृष्ण का व्यक्तित्व का निर्माण होता है, आप में रामत्व का निर्माण होता है, आप में बौद्धत्व का विकास होता है। जिन भक्तों ने, संतों ने बुद्ध के सिद्धांतों पर जो चले, साधक और बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किए, उनमें बौद्धत्व और बुद्ध पुरुष का विकास हुआ। तो हमारा कोई एक आदर्श महापुरुष होना चाहिए और हम उनकी शिक्षा, उनके सिद्धांतों को अपने निजी आचरण में उतारें, उनके पदचिन्हों पर चलें, तो हमारा जीवन दिव्य और भावी मंगलमय होगा। क्योंकि ऋषियों ने, हम जिसका भी अनुसरण करते हैं,
हम जिस किसी महापुरुष या किसी व्यक्ति विशेष का अनुसरण करते हैं वैसा ही हमारा व्यक्तित्व, हमारा आचरण, हमारा नेचर, हमारा जीवन निर्मित हो जाता है। तो यदि हम महापुरुषों की शिक्षाओं पर चलें, पढ़ें, अध्ययन करें और अपने जीवन में उन्हें उतारें तो हम भी महापुरुषों के समान आदर्श व्यक्तित्ववान और चरित्रवान बन सकेंगे, क्योंकि महापुरुषों की शिक्षाएं, महापुरुषों के सिद्धांत महान बनाने वाले होते हैं। संसार में वही लोग महान हैं, वही लोग दिव्य हैं, वही लोग पूजनीय हैं जो महापुरुषों के सिद्धांत पर चलते हैं, जो महापुरुषों की शिक्षाओं का आदर करते हैं। तो ये धर्मशास्त्र हमारे सभी पूजनीय हैं। यदि हम उन्हें डायरेक्ट पढ़ते हैं, हमें समझ में नहीं आते हैं, आते हैं तो हमें गुरुजनों से, ज्ञानी लोगों से, सद्गुरुओं से, संतों से उन्हें सीखना चाहिए और समझना चाहिए और उनके अनुसार अपने जीवन को ढाल करके अपने जीवन को महान बनाना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई भी बात किसी शास्त्र में लिखी हो, किसी ज्ञानी व्यक्ति ने कही हो, करोड़ों में जनता उसका अनुसरण करती हो, लेकिन यदि तुम्हारी तर्क की कसौटी में वो बात खरी नहीं उतरती तो उस पर आचरण मत करना, उस पर विश्लेषण करना, विचार विमर्श करना, मनन चिंतन करना और तदनुसार ही आचरण करना। क्योंकि महापुरुषों के बाद जो धर्मशास्त्र होते हैं पीछे वाले लोग उनमें मिलावट कर देते हैं, सूत्र सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ देते हैं, भावार्थ को परिवर्तित कर देते हैं, कॉपीराइट कर लेते हैं, चेंजिंग कर देते हैं। इसलिए तथाकथित लोगों ने धर्मशास्त्रों में छेड़खानी की, टीका टिप्पणियाँ करके, रचनाएँ करके। इसलिए हमें समझना होगा कि जो महापुरुषों की आड़ में ऐसा काम करने वाले लोग हैं वो ब्रह्म दंड के अधिकारी हैं और हमें अपनी बुद्धि के विकास के लिए परमात्मा के प्रति समर्पित होकर के और उसका जप और ध्यान करना चाहिए, उससे प्रार्थना करनी चाहिए। जब परमात्मा हमें सद्बुद्धि देंगे, हम परमात्मा का ध्यान करेंगे, हमारी प्रकृति सात्विक हो जाएगी तो हम आप्त पुरुषों की वाणी को समझ सकेंगे। एक सामान्य मनुष्य में धर्मशास्त्रों को समझने की क्षमता नहीं होती, लेकिन जब वो निरंतर त्याग तपस्या और साधना करता है, उसकी बुद्धि सूक्ष्म और निर्मल हो जाती है, तब वो संपूर्ण धर्मशास्त्रों को यथार्थ रूप में समझने के योग्य हो जाता है। वो योग्यता साधना से मिलती है। इसलिए जप करें, ध्यान करें, योग साधना करें, इंद्रिय संयम करें और ध्यान समाधि में उतरने के लिए एकांतवास का सेवन करें और निरंतर योग अभ्यास करें। तो इस टॉपिक के माध्यम से हमने बताया कि धर्मशास्त्र और हमारे महापुरुष हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं, हमें उनकी शिक्षाओं पर चलना चाहिए और अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए, अपने जीवन को महान बनाना चाहिए, अपने जीवन का भला कर लेना चाहिए। ओम श्री परमात्मा ने नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। आज इतना ही।